नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नागपुर में नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन, 5% जीएसटी का किया विरोध। बाढ़ पीड़िता से मिलने पहुंचे विधायक आशीष जायसवाल, ग्रामीणों के घरों और फसलों को हुआ था नुकसान। और विवाहित को 23 हफ्ते से ज्यादा के भ्रूण को हटाने की मिली इजाजत, कोर्ट ने कहा सहमति से संबंध में नहीं लागू होंगे एमटीपी रूल्स। अब खबरें विस्तार से। जीवनावश्यक वस्तुओं और कृषि पर 18 जुलाई से जो 5% जीएसटी रूपी कर लगाने का जीआर निकाला है, उसके विरोध में आज दोपहर 3 बजे नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस वक्त चेंबर के पदाधिकारी, कार्यकारी सदस्य, व्यापारी सभी उपस्थित थे। इस प्रदर्शन में पुतले को जलाकर सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। जीएसटी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जीवनावश्यक वस्तुओं पर लगाई गई जीएसटी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नहीं चलेगी नाना साहिब, नहीं चलेगी जुलूम, बंद करो, बंद करो, जुलूम बंद करो। देखिए, आजाद हिंदुस्तान में कभी भी कृषि उपज के ऊपर कर लगा नहीं। पूरी कर प्रणाली ऐसी बनाई गई है कि कृषि को साइड में रखकर, और इसीलिए दूसरे जिंसों के ऊपर टैक्स की दर ज़्यादा है। 75वें साल में दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पहली बार अब खुले कृषि इसके ऊपर भी प्री पैक के ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है। ये मामला सिर्फ गेहूं चावल का नहीं है, आज फल भी पैकेट में आ रहे, प्याज लहसुन आलू भी सब बोरों में आ रहे। ये शुरुआत है। इसका मतलब अब कृषि उपज के ऊपर सरकार की नज़र पड़ गई है। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है महंगाई है और इसकी ब्याज की दरें बढ़ाती है, और दूसरी तरफ सरकार कीमतें बढ़ा के महंगाई बढ़ा रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसके आगे और जाएं तो कभी मार्केट में जब दाम बढ़ते हैं तो सरकारी दफ्तर, सरकारी महकमे के लोग बाज़ारों में आते हैं कि दाम कम करो। अब सरकार खुद दाम बढ़ा रही है तो इसके बारे में इनका क्या कहना है। ये जो इसको और मैं एक कदम आगे ले जाता हूँ, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल के ऊपर टैक्स लगता है। मेरे छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे फरसान वाले, फूड प्रोसेसिंग, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। उसका कारण ये है कि ये बड़े लोगों के साथ टक्कर दे सके। अब क्या होगा कि फरसान वालों के भी रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लग गया तो ये लोग बड़ी कंपनियों के सामने अपना माल बेच नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में मेरे जो स्वरोजगारी भाई हैं, इनका क्या होगा। एक तरफ किसान पीट रहा है, एक तरफ एपीएमसी के लोग पीट रहे हैं, और एक तरफ ये स्वरोजगारी है। पूरे देश में किराने की दुकान आपको वहाँ भी मिल जाएगी जहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है या पोस्ट ऑफिस नहीं है। आज वो दुकानदार भी किस प्रकार से जीएसटी का कंप्लायंस करेगा, ये सारे विषय हमारे सामने चुनौती भरे हैं। और इसके लिए हमारी सरकार से यही मांग है कि ये चीज़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप सोमवार से लगा रहे हैं, जो अनाज के व्यापारी है इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अब ये कब नंबर लेंगे, माल कब बेचेंगे, बिल कैसे बनाएंगे, सोमवार को जो माल बेचेंगे उसका बिल कैसे बनेगा। पूरी स्थिति असंजमस की है, लोग परेशान हैं, और एक ही हमारी डिमांड है कि सबसे पहले इस कर को वापस लो। सबसे पहले जो आज हमारा ये विरोध हमने दर्शाया है, सांकेतिक दर्शाया है, क्योंकि किसी भी देश का, कोई डेवलप देश हो, डेवलपिंग कंट्री हो, अनडेवलप कंट्री हो, उसकी सबसे मूलभूत जरूरत रहती है रोटी, कपड़ा, मकान। तो सरकार ने ये कर लगा के जो हमारी थाली है उसको 5% से महंगा कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट 130 करोड़ जनता को आएगा। हमको पता है कि सरकार ये जो पैसा संग्रह करके हमारी उन्नति को लगाएंगी, लेकिन जब जनता ही खुश नहीं है इस कर को लगाकर, तो सरकार ने इसको इमीडिएट विदड्रॉ करने को होना। 75 साल में कभी भी इस प्रकार का जीवन आवश्यक वस्तु या खाद्य पदार्थ पे कर नहीं लगा,
जब भी 2017 में जीएसटी का गठन हुआ था तब ये कहा गया था कि जब जो वस्तु जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है वो हमेशा एग्जेम्प्टेड रहेगी। तो जीएसटी में ये तभी भी अनाज जो दूध दही ये सब एग्जेम्प्टेड था तो उसको अभी भी एग्जेम्प्टेड रखना चाहिए। हमने इसको नहीं जलाया, हम जीएसटी के पक्षधार है, हमने जीएसटी जो अनाज पे लगा है इसको जलाया। सरकार ने जब जीएसटी 2017 में लगाया था तो पहले महीने में 59,000 करोड़ का कलेक्शन करा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि हम सब व्यापारियों ने इतना संग्रह कर करके सरकार को टैक्स दिया कि आज पिछले महीने में 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। तो सरकार ऑलरेडी मोर देन 2 टाइम्स है, तो सरकार ने ये टैक्स अभी नहीं लगाने को होना। भूमिका जो हमारी नेशनल बॉडी कैट है वो जो हमको गाइड करेंगे, हम उस हिसाब से आगे का काम करेंगे। कल छुट्टी का जो कैट तय करेगा और जो सब व्यापारी भाइयों की मंशा रहेगी उस तरीके से हम बैठ के बात करेंगे। सरकार मेरे को लगता है बड़ी संवेदनशील है, जो हमारा दर्द है ये वहाँ तक पहुँचा है। जैसे आदरणीय भरते जी ने आपको बताया कि हो सकता है किन लोगों ने सरकार को गुमराह करके ये टैक्स लगवा दिया, लेकिन सरकार को जब पता चलेगा इससे होने वाली तकलीफें क्या है तो सरकार इसको जरूर विड्रॉ करेगी। जीएसटी चा हर महीने 1.5 लाख कोटी चा कलेक्शन है, इतकं जास्ती कलेक्शन आहे का दर महिने ते आपलंच रिकॉर्ड तोडत आहे। आणखी ह्या सिच्युएशनमध्ये पण आता जो अनाजमध्ये या लोकांनी टॅक्स लावले आहे त्यांचा आम्ही निषेध करत आहो। हे जो टॅक्स लागले आहे ते कॉर्पोरेट कंपनीसाठी बरं आहे, पण जितके पण खाद्य आणखी व्यापारी आहे, लहान व्यापारी आहे, त्यांच्यासाठी हा टॅक्स एकदम खराब आहे। आणखी कोविडच्या नंतर आम्हाला जो आर्थिक सुविधा दिली पाहिजे हे तर आम्हाला एक दंडा मारला आहे, त्याच्यामध्ये आमचा व्यापार खराब होणार आहे। तर आम्हाला सरकारची एक विनंती आहे का हे ज्या तुम्ही टॅक्स लावलेला आहे वापस घ्या। आणखी इम्पॉर्टंट आणखी जरुरी सामान जो आहे अनाज त्याच्यावर टॅक्स नाही लागला पाहिजे, हे आमची विनंती आहे सरकारला। धन्यवाद। देश में उपराष्ट्रपती चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में भाजपा आज संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर अंतिम फैसला ले सकती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहीं पार्टी के प्रादेशिक नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे। भाजपा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है। ऐसे में भाजपा की ये कोशिश हो सकती है कि पार्टी उपराष्ट्रपति के लिए किसी अल्पसंख्यक चेहरे को सामने लाए। भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति के लिए मैदान में उतार सकती है। इनके अलावा मुस्लिम समुदाय से केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सिख चेहरा कैप्टन अमरिंदर पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। वहीं नजमा हेपतुल्ला की भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ के नाम की भी चर्चा है। गुजरात दंगा मामले में पुलिस ने विशेष जांच दल SIT ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच दल ने एक हलफनामे में कहा कि गुजरात को सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके पीछे कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल का हाथ था। उन्हीं के इशारे पर पूरा षड्यंत्र रचा गया। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ ने अहम भूमिका निभाई। भारी बारिश के कारण बिटोली, पेठ, परसोदी, बनारा, नरहर, धवलापुर, कान्हा देवी, पेंधारी, कमरबाद और पारशुनी तालुका की अन्य नदियां बाढ़ में डूब गई है। बाढ़ का पानी जैसे ही गांव में घुसा ग्रामीणों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। विधायक आशीष जायसवाल ने गांव में प्रवेश कर पानी का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा की। इसमें ग्रामीणों ने गांव में झील को गहरा करने, सड़क पर बने पुल की ऊंचाई बढ़ाने, बाढ़ के कारण खेतों में लाई गई रेत को हटाने या रोजगार के लिए ईंट भट्टे की अनुमति हटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक तथा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को लेकर उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव बेहद संजीदा है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के मुलायम सिंह यादव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी IESIE का एजेंट कहे जाने के पुरावे प्रकरण के वायरल होने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। पत्र में शिवपाल ने यशवंत सिन्हा को समर्थन ना देने का अनुरोध किया है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने
सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। का स्वागत। नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाना अंतर्गत दोपहिया वाहन चोरों का पुलिस ने पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 16 दोपहिया वाहन जब्त कर लिए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4,62,000 रुपए बताई जा रही है। वादी की स्प्लेंडर गाड़ी एक अज्ञात चोर द्वारा चुराई गई थी। वादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीताबर्डी नागपुर क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेने के लिए वरिष्ठों से आदेश प्राप्त हुए थे, इसलिए जांच दल के वरिष्ठ अधिकारी और CCTNS के माध्यम से त्वरित जांच के बाद आरोपी को वार्ड नंबर 15 पोनार खुर्द तहसील बरघाट जिला शिवनी मध्य प्रदेश से और दूसरे आरोपी को समता नगर नागपुर से गिरफ्तार किया और 16 दुपहिया वाहन आरोपियों की हिरासत से जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 4,62,000 रुपए थी। कीमती सामान को जब्त कर कुल 16 अपराध प्रकाश में आए। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बर्डी पुलिस स्टेशन के एरिया में से बहुत सी टू व्हीलर गाड़ी चोरी हो रही थी, इसलिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया था हमारे जो DB टीम है उसके PSI मगर, API कदम और बाकी DB टीम को इंस्ट्रक्शन दिया था कि पूरा सर्वेलेंस रखने के लिए। उसमें ये जो फिरियादी की एक गाड़ी का हमें CCTV फुटेज मिला, तो हमारे DB टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। CCTV फुटेज से लगभग 50 से 60 CCTV फुटेज देख के और एरिया का डम डाटा और मोबाइल का सर्वेलेंस करके, टेक्निकल तपास करके, उसमें से एक आरोपी जो पुनीत गायकवाड़ है उसको हमने शिवनी मध्य प्रदेश में ट्रेस किया था। उसी दौरान वर्कआउट करते करते वो हमें लोकेट हो गया शिवनी मध्य प्रदेश में, तो उसको दावे में लिया। उसका दूसरा जो जोड़ीदार है श्याम हरिनखेड़े, उसको भी हमने नागपुर से दावे में लिया। उनके पास इंट्रोगेशन करने के बाद में उन्होंने कबूली दिया और उनकी कबूली से हमने लगभग 16 टू व्हीलर व्हीकल्स हमने शिवनी मध्य प्रदेश से बरामद किए हैं। ये सब टू व्हीलर जो है उसमें सब पूरे नागपुर सिटी से चुरा के वो शिवनी मध्य प्रदेश में जाके वो बाकी लोगों को बेचा था। कुछ पैसे के लिए उसने ये सब किया था, ऐसा अभी फिलहाल इंक्वायरी में चल रहा है। उसमें एक और उनका जोड़ीदार जो है वो, और तीसरा साथीदार जो है वो, उसको अरेस्ट करना बाकी है। इसमें हमें उम्मीद है कि उसमें और इंट्रोगेशन हमारा चालू है, हमें उम्मीद है कि और भी कुछ गाड़ियां रिकवर हो सकती है। इसमें सर, दो आरोपी केस है, क्या आरोपी के नाम क्या है? अभी तक तो उनका कुछ रिकॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन एक आरोपी है जो पुनीत गायकवाड़ और दूसरा आरोपी है श्याम हरिनखेड़े, ये दोनों आरोपी है, उनको अरेस्ट किया है।
वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को अविवाहित युवती के गर्भ में पल रहे 23 हफ्ते से ज्यादा के भ्रूण को गिराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सहमति से बनाए गए संबंध में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 लागू नहीं होते हैं, इसलिए इस मामले में AMTP एक्ट की धारा लागू नहीं होगी। इससे पहले बीते दिन अदालत ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोराडिका डैम फूटने की वजह से खसाला मसाला कवठा इन गाँवों में पानी घुस गया है। नागरी बस्तियों को भी नुकसान होने की संभावना है। बहता हुआ पानी उपलवाड़ी खैरी और महाड़ा गाँवों की ओर जा रहा है। इस वजह से इन गांवों के लोगों को पानी के खतरे के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद सदस्य मोहन माकड़े ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वीडियो शेयर करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वर्धा RPF द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे वर्धा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी कि चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक इसम ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गया। उस वक्त प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात RPF के सब इंस्पेक्टर SD डिगोले ने जैसे ही उसे देखा तो वह दौड़े और उस युवक को बाहर निकाला। इस घटना के दौरान RPF की महिला कर्मचारी सुशीला वयम उसकी मदद के लिए दौड़ी और उन्होंने मिलकर इसम की जान बचाई। घटना इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद यात्रियों के होश उड़ गए। घटना में युवक को मामूली चोटें आई और युवक का प्राथमिक उपचार किया गया। युवक का नाम अनिल सीताराम तुमसरे, उम्र 29 वर्ष है। वह गोंदिया जिले के आमगांव का रहने वाला है। घटना की सूचना वरिष्ठों को दी। युवक ने जान बचाने वाले पुलिस कर्मियों का आभार जताया। इस मौके पर वहां मौजूद नागरिकों ने RPF सब इंस्पेक्टर SD डिगोले और महिला RPF कर्मचारी सुशीला वयम का शुक्रिया अदा किया। VKB न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।